तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो छात्रों के अकाउंट में धीमे धीमे क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है, और सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के तौर पर दिखाया जाएगा। किस कोर्स का, किस कैटेगरी का पैसा स्कॉलरशिप आ रही है, उसके साथ ही जो करेक्शन की ऑफिशियल डेट है उसको लेकर भी एक नोटिस आई है, जो कि आपके वीडियो में बताया जाएगा कि आपकी करेक्शन की डेट क्या रहने वाली है। अगर आपके भी स्टेटस में कोई प्रॉब्लम है तो आप करेक्शन के टाइम पे उसको सुधार सकते हो। उसके साथ ही अगर आपका भी स्टेटस अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है या आपका वेरीफाइड हो गया है तो आपको कौन कौन सा काम करना है, आपका पैसा कब तक आएगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़े। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम भारतीयों के लिए दो बहुत ही दुखद घटना निकलकर सामने आ रही। पहला आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, माननीय आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी थी उनका देहावसान हो चुका है, तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उसके साथ ही जो दूसरी एक और दुखद घटना हम सभी भारतीयों के लिए आ रही है कि ऋषभ पंत जो आपके भारतीय क्रिकेटर थे उनका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इनकी जो कार थी BMW आई थिंक उससे चल रहे थे, वो भी जलकर राख हो गई, और इनकी ए थे और इनके साथ दो परिवार के लोग थे, तो इनकी हालत भी गंभीर इस समय बनी हुई है। तो ये दुखद घटना थी। मैं प्रे करूंगा कि ऋषभ पंत भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और नरेंद्र मोदी जी की जो माता है उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी नॉलेज फटाफट फैमिली की तरफ से। तो चलिए आगे देखिए क्या अपडेट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप को लेकर देख सकते हो, ये देखो स्क्रीनशॉट 27/12/2022 यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 6,606 रुपए स्कॉलरशिप आई है, और ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, समझ गए। यहाँ पर क्लियर देख लो, 27 तारीख को ये पैसा आया है, मतलब 27-28 से ही पैसा इक्का दुक्का लोगों का आना स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो प्रोसेस है वो धीमे धीमे अब स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट में क्या होता है, 1, 2, 3 ऐसे से शुरू होता है पैसा आना, फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मैक्सिमम लोगों की स्कॉलरशिप आती है, तो उस दिन छात्र बोलते हैं हाँ सर आज स्कॉलरशिप आई है। उसके साथ यहाँ नीचे देखोगे एक यहाँ पर मैंने PFS का भी दिखाया है आपको, अंडर प्रोसेसिंग में शो कर रहा है इनका पैसा, 5,000 रुपए BA के स्टूडेंट है। तो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको चेकआउट करना है अपना पैसा मात्र 2 मिनट में। ये सारा पहले आप लोग ट्रांजेक्शन देख लो, फिर आगे करेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखो 1,26,960 रुपए स्कॉलरशिप आई है, ये एक स्टूडेंट है मतलब छात्रा है इनकी आई है। अब बहुत सारे यूट्यूबर क्या करें, ये जो मैंने ये सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग 2 दिन जाके मेरे चैनल पर देखोगे, मैंने बताया था कि पिछले साल की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हुई, ये इनकी 2021-22 की नहीं है, ये इनकी 27 दिसंबर को जो स्कॉलरशिप आई है 2021-22 वाली SC कैटेगरी की सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई है। तो अब हर यूट्यूबर क्या कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे चैनल से या किसी चैनल से उसके बाद इसके ऊपर वीडियो बना रहे, भाई इस बार की स्कॉलरशिप आ रही 1,26,000 BMS की। भाई मैंने ये बताया था कहीं पुरानी स्कॉलरशिप है उसको तो क्रेडिट दो कि हाँ पुरानी स्कॉलरशिप है, सब लोग इसको उठा के कॉपी करके उसको बता रहे कि स्कॉलरशिप आने लगी, जबकि ये दोनों स्क्रीनशॉट देख सकते हो मेरे द्वारा ही शेयर किया गया था। और ये जो छात्रा है इन्होंने इंस्टाग्राम पर यहाँ चैट भी देख सकते हो, इन्होंने बोला कि भाई आज मेरी स्कॉलरशिप आ गई, स्टेट शेयर आया, सेंट्रल शेयर मेरा सस्पेक्ट की लिस्ट में चला गया था। यहाँ पर सारी चैट आप लोग पढ़ सकते हो, और इन्होंने बोला कॉलेज वालों ने बहुत हेल्प की तब जाके आया, और इनका BMS का कोर्स है। उसके साथ यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने बोला कि इनकी 2,04,600 रुपए स्कॉलरशिप आती है। तो ये जो छात्रा है इनका ये स्कॉलरशिप का अमाउंट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब सब लोग बोल रहे हैं कि ये इस बार आई है 27 दिसंबर 2022 की, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये चीजें हो गई, पैसा मतलब धीमे धीमे अकाउंट में आना स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं आपको चेकआउट कहाँ से करना है, स्कॉलरशिप आ रही है और आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर boardsexam.com सर्च कर लेना, जैसे मैंने सर्च कर रखा आप लोग देख सकते हो। अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना, जो पहली वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नया इंटरफेस आएगा, तो आपको एक रेड कलर में यहाँ पर दिख रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एड आएगा, एड को आपको क्लोज कर देना है। अब स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एकदम नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाती है, पहले तो स्टेटस चेक करने के लिए, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन फ्रेश रिन्यूअल जो भी हो, आप लोग यहां से स्टेटस अपना चेकआउट कर सकते हो। अब बात आती है भाई पैसा चेक करने की, तो देखो नीचे यहीं पर आपको जो मैंने आपको प्रोसेसिंग वाला दिखाया उमंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे, उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग अपना मोबाइल नंबर जो भी है और MPIN मतलब पिन अपना जनरेट करके यहाँ से आप लोग अपना
उमंग पर ये रजिस्टर कर लेना। उसके बाद वहां पर अकाउंट नंबर मांगेगा, आईएफएससी कोड हो सकता है मांगे। उसको करने के बाद आप लोग जब क्लिक करोगे तो अगर आपका पैसा भेजा गया होगा, देखो मैं बात कर रहा हूँ वेरीफाइड वालों की, वेरीफाइड वालों का ही पैसा आएगा उनका, अगर आया होगा भेजा गया होगा तो वेरीफाइड वालों का। अब आपका स्टेटस पेंडिंग है और आप जाके चेक करने लग जाओ और बोलो सर मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो ये गलत बात है। जिनका वेरीफाइड है वो लोग जाके उमंग पर चेक करें, अगर उनका पैसा प्रोसेसिंग में लगाया गया होगा गवर्नमेंट की तरफ से तो वहां पर अंडर प्रोसेसिंग शो करेगा, अगर नहीं लगाया गया होगा तो उनका नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पर ऑफिशियल पीएफएस का भी स्टेटस यहाँ से देख सकते हो, जो पीएफएस की साइट अगर वर्क करती है तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, जो भी डिटेल है, ओटीपी सेंड करके आप लोग अपना चेकआउट कर सकते हो। तो ये दो प्रोसेस है जिससे आप लोग अपना पैसा मात्र 2 मिनट में चेक कर सकते हो। तो चलिएगा, यहाँ पर आप लोग नोटिस देख सकते हो, 26 तारीख को ये नोटिस आई है, 26 दिसंबर को ये नोटिस आई है। अब देखो यहाँ पर एक छात्र थे, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं भेजी गई है, तो इस रीजन की वजह से यहाँ पर नोटिस आई है। और इसमें क्या बोला गया आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर इन्होंने शिकायत की थी, तो इनकी आखिर रिपोर्ट आई है जो कि अवतार गुप्ता, सॉरी अविरल गुप्ता थे, मतलब स्टूडेंट का नाम अविरल गुप्ता है और इनका कॉलेज है शिव दयाल सिंह डेयरी कॉलेज मोहम्मदाबाद फरुखाबाद। उसके बाद देखो इन्होंने बोला था कि इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो यहाँ पर नीचे जांच के बाद जो डेट दी गई है यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़ोगे तो, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि संदेहास्पद डाटा संशोधन हेतु शासन द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार आपका 19 जनवरी 2023 से लेकर 27 जनवरी तक निर्धारित किया गया है, जिस बीच आप करेक्शन कर सकते हो, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। तो देखो मैं पूरा पूरा निष्कर्ष बताऊं करेक्शन की, तो यहाँ पर दो ऑफिशियल डेट निकल के सामने आ रही है। पहली जो डेट निकल कर सामने आ रही है वो बोला जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, आप लोगों ने भी सुना होगा अगर समाज कल्याण गए होंगे, दो डेट बोल रहे हैं लोग। अब पहले वाली डेट सही है या दूसरी सही है, या तो दोनों टाइम पोर्टल ओपन होगा, वो तो डेट आने के बाद मतलब पोर्टल ओपन होने के बाद ही क्लियर होगा। पहला बोला जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका ओपन होगा, मतलब 5 जनवरी 6 जनवरी से हो सकता है, 7 जनवरी से हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरी अपडेट यह है कि मिड जनवरी में ओपन होगा, 15 से हो सकता है, 18 से हो सकता है, 13 से, 19 से, मतलब मिड जनवरी और जनवरी के फर्स्ट वीक, दो करेक्शन की डेट हर जगह के डीडब्ल्यू अधिकारियों से मैंने बात की और जो लोग भी है कॉलेज में, तो दो ही निष्कर्ष आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक, कुछ लोग बोल रहे हैं जनवरी के मिड में। तो अब हो सकता है दोनों टाइम पोर्टल ओपन हो सकता है किसी एक डेट को ओपन हो, अब ये डिपेंड करता है पोर्टल ओपन होने पर। तो पोर्टल ओपन होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए चैनल की लिंक जिसका नाम है सोच विशाल, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, जाके उसको चेकआउट करिए। और चैनल पर अच्छे अच्छे इंटरव्यू आने वाले हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी नॉलेज फटाफट की और दूसरी फैमिली होने वाली है, तो उस पर जाओ 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।